लगातार 3 महीने के एंटरटेनमेंट के बाद बिग बॉस खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से शिल्पा शिंदे को शो का विनर बनाया गया उससे बिग बॉस के फैंस, खासकर हिना खान के फैंस को ऐसा लग रहा है कि फिनाले में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो चलिए अब हम भी आपको एक एक करके वो सवाल दिखाते हैं जो फिनाले के बाद उठने लगे हैं और लोग बोल रहे हैं कि शो पहले से फिक्स था। सबसे पहला और अहम सवाल, लाइव वोटिंग या फिर ड्रामा? जी हाँ, कल रात के फिनाले में शो के बीच में लाइव वोटिंग कराई गई। शो में करीब 10:50 पर सलमान खान ने अनाउंस किया कि विनर चुनने के लिए लाइव वोटिंग लाइंस खुली जा रही हैं और 10 मिनट के बाद ही सलमान कहते हैं कि लाइव वोटिंग लाइंस क्लोज हो चुकी हैं। जबकि एक चीज गौर करने वाली है कि शाम 7:30 ही फिनाले की शूटिंग खत्म हो गई थी और शिल्पा शिंदे के विनर बनने के बाद ही सामने आ गई थी, तो ऐसे में 10 मिनट में लाइव वोटिंग कैसे हो सकती है? अब ये बात फैंस को हजम नहीं हो रही है, तो क्या इसे सिर्फ शो में ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए एक तड़के के तौर पर इस्तेमाल किया गया है? दूसरा सवाल, शिल्पा शिंदे जीतती तो कुछ करोड़पति सड़क पर आ जाते? जी हाँ, पहली बार बिग बॉस के इतिहास में ऐसा हुआ था कि बिग बॉस के फिनाले के नाम पर सट्टा बाजार एकदम गर्म था। अब कुछ सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि शिल्पा शिंदे के नाम पर 900 करोड़ रुपए दांव पर लगे थे। हालांकि ये रकम कितनी सच्ची है निश्चित तौर पर कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि शिल्पा के नाम पर काफी पैसे दांव पर लगे थे और अगर शिल्पा नहीं जीतती तो फिर कुछ करोड़पति सड़क पर आ जाते और ये बात बहुत बड़ी हो जाती। अब ये सवाल उठने लगा है कि विनर का नाम पहले से ही फिक्स था। तीसरा सवाल, वोटिंग लाइंस क्रैश हुई या फिर मामला कुछ और है? जी हाँ, बिग बॉस के कुछ फैंस ने ये आरोप लगाया है कि विनर का नाम वोट करने के लिए पेज पर या ऐप पर जाओ तो ये बार बार क्रैश कर रहा था। लोगों का कहना है कि ये सब तो पहले से ही फिक्स था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। वोटिंग में फेल होने वालों को लग रहा था कि वोटिंग लाइंस क्रैश हो रही हैं, लेकिन असल में खेल कुछ और ही था। बता दें कि ट्विटर पर काफी सारे बिग बॉस फैंस ने ऐप के क्रैश होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो ये थे वो 3 सवाल जो फिनाले के ठीक बाद उठने लगे हैं और इन सवालों को खासकर उन लोगों ने उठाया है जो या तो विकास के फैंस हैं या फिर हिना खान के लॉयल फॉलोअर्स। अब शो में धोखा हुआ है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या आपको इन सवालों को जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि शो में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है? तो आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।